नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एचसी और मैथ चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। 12 में क्या बोला है बेटा, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर आर रब्ड अगेंस्ट इच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो दो इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर है ना, इसको रब किया बेटा। तो रब करने से क्या होगा, ऑब्वियसली रब करने से क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, है ना। क्योंकि रब करने से होगा क्या, बाय फ्रिक्शन एनर्जी का ट्रांसफर होगा। और अगर ये एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग डिसाइड किससे करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। एंड जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि मान लो कि किसी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उसको हम लोग प्लस से दिखाएंगे, एंड एक के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा तो उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, माइनस से दिखाएंगे। तो यहाँ पे यही बोला है और ये सेपरेशन दे दिया है 1 सेंटीमीटर अपार्ट का मतलब 0.01 मीटर। अब आप देखना यहाँ पे, यहाँ से बेटा जितना इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा ऑब्वियसली यहाँ पे उतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, और इस पे जो चार्ज होगा उतना पॉजिटिव हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉजिटिव का मतलब सिंपली इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब दोनों का जो चार्ज होगा वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज, उतना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे फोर्स दे दिया बेटा कि दे अट्रैक्ट इच अदर, और इंसुलेटिंग का मतलब आपको समझना है कि इसके कांटेक्ट में कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, मतलब ये चार्ज इस पे रहता है, है ना। तो फोर्स की वैल्यू दे दिया है 0.1 न्यूटन। तो सबसे पहले तो आप फोर्स कितना लिखोगे इस पे, K Q1 Q2। के की वैल्यू 9 × 10⁻¹, Q1 Q2 तो दोनों सेम है सर, तो Q² ले लेता हूँ अपॉन R² R² की वैल्यू कितना लूँगा बेटा, तो 0.01 का होल स्क्वायर, ठीक है। और F की वैल्यू दे दिया है 0.1, तो इसको इक्वल कर लेता हूँ कितना, 0.1। तो यहाँ से आप अननोन कौन सा है, सिर्फ Q, Q की वैल्यू निकाल लोगे तो Q² कितना आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 0.1 × ये दो बार लिखाएगा 0.01 × 0.01 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹, और बस ये तो Q² हो ही गया। अब यहाँ पे डेसिमल हटाओ तो नीचे 5 जीरो और आ जाएगा, तो 9 + 5, तो Q की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3, ठीक है। एंड ये 10⁹ का मतलब 14, तो बाहर निकलेगा कितना, 10⁻¹। तो ये टोटल चार्ज का ट्रांसफर होगा, है ना, मतलब एक पे प्लस इतना कूलम चार्ज आएगा, एक पे माइनस इतना कूलम चार्ज आएगा। बट आपसे क्या पूछा, चार्ज की वैल्यू नहीं पूछा, आपसे पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अदर ड्यूरिंग रबिंग। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, है ना, चार्ज नहीं पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनी, वेर एन इज वॉट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्यू इक्वल टू एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ई। तो सिंपली आप इसको डिवाइड कर दो, क्यू की वैल्यू तो आपने निकाली लिया है 1/3 × 10⁻¹, एंड ई की वैल्यू तो आपको पता ही है 1.6 × 10⁻¹⁹, ऊपर ले जाऊंगा तो +19, ये ऊपर ले जाओ इसको तो -7 हो जाएगा, तो +19 - 7, तो ये निकल कर आ जाएगा कितना, 12 बजेगा ये, है ना। और ये नीचे लगभग कितना आ जाएगा बेटा, तो 16 × 48, लगभग 5 ले रहा हूँ नीचे, तो ऊपर 10⁻¹² है, तो 1/10 और बाहर निकाल लो, तो 10⁻¹ ये पूरा 12 हो गया और नीचे 5 आ गया, 1/10 इसलिए निकाला था कि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो n की वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी बेटा, 2 × 10⁻¹১, ये मैंने अप्रॉक्सीमेट में निकाला क्योंकि नीचे रियलिटी में 4.8 आता, तो लगभग 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आप लिख सकते हैं ना, 2.something × 10⁻¹১. तो ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। तो आप समझ सकते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट फिर भी अगर चार्ज की बात करें तो बहुत ही कम है। देख लो आप यहाँ पे, आप कंपेयर कर सकते हो, है ना, ये तो कम में ही आएगा, है ना, माइक्रोकुलम मतलब ठीक ठाक है, माइक्रोकुलम जो चार्ज है ना। तो आप यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हो,
कितना आएगा, 2 × 10^11। तो सही है। तो फिर मिलेंगे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के साथ।